नमस्कार फिर से आ गई हूँ मैं एक नई स्टोरी के साथ एनिमेशन लेकर पोस्ट मास्टर्स डोट वी द पियानो सेट अक्रॉस द विंडो इन दाल एंड पोर्टर्स ब्रॉट इट इन एंड वेंट आफ्टर दे हैड गॉन The family all came in to look at the piano. They found the porters had placed it with its back turned towards the middle of the room, standing close against the window. Agamemnon proposed that they should open the window, which Solomon John could do with his long arms. Then Elizabeth Eliza should go round upon the veranda and play the piano. It was a very pretty sight to see Elizabeth Eliza playing on the piano. While she sat on the veranda with the honeysuckle vines behind her, it was very pleasant during moonlit evenings. Mr. Peterkin liked to sleep on his sofa in the room. The rest of the family liked to sit on the veranda. Only poor Elizabeth Eliza had her back to the moon. All this did very well through the summer. But when the fall came, Mr. Peterkin thought, the air was too cold from the open window, and the family did not want to sit out on the veranda. elizabeth eliza practised in the mornings with her cloak on. however, she was obliged to give up her music in the evenings, the family shivered so. one day, when she was talking with the lady from philadelphia, she spoke of this trouble. the lady from philadelphia looked surprised, and then said: "but why don't you turn the piano round? Elizabeth Eliza went home directly and, with the help of Agamemnon and Solomon John, turned the piano round. Why did we not think of that before? What shall we do when the lady from Philadelphia goes home again? तो चलिए हम देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन विद एनिमेशन द पियानो लेसन ये बहुत अच्छी स्टोरी है आ, ये लुक्रिशिया प्रोबले हालो ने लिखी है और चलिए देखते हैं इस स्टोरी को मेरी साउंड में हिंदी में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजाबेथ एलिजा जो है इसे प्रेजेंट मिला है एक पियानो तो पियानो का प्रेजेंट मिलने के बाद अब सीखना पड़ेगा तो सीखने के लिए जो पोस्टमैन की जो लड़की है वो उसे लेसन देने के लिए मतलब पढ़ाने के लिए आती है और वो डिसाइड करते हैं कि अब ये पियानो कहीं पे हमको अच्छे प्लेस पर रख देना चाहिए तो कहाँ पे रखेंगे विंडो के पास में रखेंगे और ये वरान्डा के बिल्कुल विरांडा के बीच में ही रखेंगे और वो लोग रखने के बाद चले जाते हैं आह पूरी फैमिली पूरी फैमिली इसको देखने के लिए कैसे आती है कैसे एलिजाबैथ एलिजा इसे बजाती है और कैसे धुन सीखते हैं ऐसे ये सब देखने के लिए पूरी फैमिली वहाँ एकत्रित हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये कैसे है यहाँ पे विंडो के बिल्कुल पास में ही वो पियानो को रखा गया है तो अब विंडो ओपन करने का जो काम है वो जो है वो बोला गया तो विंडो ओपन करने के लिए लंबे हाथ वाला जो सोलमन जॉन है उसे बोला गया उसने क्या किया अपने लंबे हाथों से खिड़की को ओपन कर दिया खिड़की में से बहुत अच्छी प्यारी सी एयर आने लगी अब एलिजाभ एलिजा ये बैठी है और अपना पियानो बजा रही है बरान्डा के बीच में जब ये पियानो सीख रही थी बहुत अच्छे से ये बजा रही थी पूरी फैमिली हैरान परेशान नहीं बिल्कुल नहीं उन्हें बहुत इंजॉय कर रहे थे बहुत फ़न लग रहा था पोस्टमैन की लड़की बहुत अच्छे से उसे पढ़ा रही थी पोस्टमैन के लड़की के पीछे आप देख सकते हैं जो वहाँ पे जो हनी शकेली की जो वेल है वो वहाँ पे देख सकते हैं और जब शाम को मून आता था खिड़की में से तो वो सीन भी बहुत अच्छा लगता था यहाँ तक कि उनके पापा जो है मिस्टर पेटरकिन ये सोफे पे बैठे बैठे वहाँ पे सोया करते थे तो ये ऐसी सारी चीज़ें वरण्डा में होने लगी थी पूरी फैमिली बहुत इंजॉय कर रही थी अब पूरी फैमिली को वरेंडा में भी बैठना और ये म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था लेकिन एलिजाबेद एलिजा जो है वो मून को नहीं देख सकती थी क्योंकि उसकी पीठ हमेशा मून के साइड में रहती थी आहा, समर आ गया समर में ये सब लोग में बैठे थे धुन सुनते थे बहुत अच्छे से लग रहा था लेकिन जैसे ही बारिश आ गई बारिश आने के बाद पेटरकिन ने सोच लिया कि भाई बारिश आ रही है अब तो एयर खोल दें जो विंडो खोल देंगे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी और हम लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं तो हम एक काम करेंगे कि ये जो वरांडा में बैठने वाली ये जो लड़की है ये मॉर्निंग के टाइम में प्रैक्टिस करेगी लेकिन कैसे करेगी उसका जो वो जगह है लंबा लंबा लगादा है वो पहन के करेगी और इवनिंग के टाइम में इवनिंग के टाइम पे पूरी फैमिली के साथ वो बैठेगी ऐसे उन्होंने सोच लिया कि इवनिंग के टाइम में जरा कम हवा रहती है आ, तो ये सारी चीज़ें अब होने लगी सब चीजें होते समय एक दिन क्या हो गया कि एलिजा एलिजाबैथ की फ्रेंड जो है फ़िलाडेल्फिया से एक लेडी जो है वो आ गई थी और एलिज़ाबेथ ने ये प्रॉब्लम बता दी कि मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में ऐसे ऐसे रियाज करती हूँ ऐसे प्रॉब्लम है तो वो बहुत हैरान हो गई अरे फिर एक काम क्यों नहीं करती हो तुम अपने आप को राउंड करने की जगह पे तुम पियानो को क्यों राउंड नहीं करती हो उसका दिशा क्यों नहीं चेंज करती हो एलिजाबेथ एलिजा के मन में तब आ गया उसने अपने फैमिली को बताया तो उनके सपोर्ट से क्या मतलब और सोलोमन जॉन की मदद से पियानो को राउंड मतलब उसकी दिशा चेंज कर दी और वो मन ही मन में सोचने लगे कि अगर ये जो फिलाडेल्फिया की जो फ्रेंड है ये ने इसने बताया ये हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया वो कितनी इंटेलिजेंट है और ये जब चले जाएगी तो इतनी इंटेलिजेंट आइडिया हमको फिर कौन देगा ये सोच के वो परेशान है बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनाई है आप कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत आभारी हूँ ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को धन्यवाद